द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 and 25 इज, अब यहाँ पे हमें मतलब ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल है हमारा 9, सेकंड प्रोपोर्शनल है 25 एंड सपोज थर्ड प्रोपोर्शनल हम ले लेते हैं a, तो यहाँ से कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बनेगा. सो देयरफॉर हम कह सकते हैं 9 upon 25 इज इक्वल टू 25 upon a. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे आएगा 9a इज इक्वल टू 25 into 25, तो a की वैल्यू आती है 625, और ये अगर 9 डिवाइड कर दें सो डिवाइड बाय 9. अब ऐसा कोई भी ऑप्शन यहाँ नहीं दिया है तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज़.